ये 3 BHK है, ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। एंट्री करते ही आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो इस साइड आपका मॉड्यूलर किचन है। स्टार्टिंग में पूरा मॉड्यूलर बना रखा है। यू शेप में किचन बनी है। इसके बाद किचन के बाद इसके आगे ही एक रूम है, मास्टर बेडरूम भी इसको कह सकते हो आप। साइज़ 12x10 का है ये। इसमें एक अटैच वेस्टर्न वॉशरूम दे रखा है। इसके बाद ये राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्पेस खाली है, इसमें आप जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जैसे भी उसके बाद आ जाते हैं हम, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम है, इसमें एक साइड हैंड वॉश दिया गया है। ये आपका कब शीट है, इधर आपका नहाने का है, शावर वगैरह लगा हुआ है, स्पेसेस है। देन उसके बाद ये आ जाता है हमारा दूसरा बेडरूम। इसका भी साइज 12x10 है। इसमें आपको मिलता है कवर्ड अलमीरा। बालकनी की तरफ दो रूम के एंट्री है। ये इसकी बालकनी है। इस रूम से निकलते ही अगर हम साइड में चलेंगे तो ये दूसरे रूम का एंट्रेंस आ जाता है, जो कि हमारा तीसरा मास्टर बेडरूम है। इसमें भी हमने एक वॉशरूम दिया है, ये इंडियन वॉशरूम दिया है, साइज़ काफ़ी अच्छा है। तो टोटल बात करें तो जो ये रूम है 15x11 का है। इसके बाद आ जाते हैं हॉल पे। ये हॉल है, ये वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट दी गई हुई है, ये शाफ्ट है हमारी। ये सभी हर वॉल पे टेक्सचर डिज़ाइन दी गई हुई है। ये हॉल है 19x11 का। ये हॉल है, ऊपर फॉर सीलिंग कर रखी है। एक स्पेस ये निकाला हुआ है, इसमें जो भी चाहें आप बना सकते हैं, अलमीरा या फिर मंदिर। जो ये इसका मेन गेट है, ये स्टेयर्स है, ये हमारी लिफ्ट लग रही है, ये कॉमन एरिया है। ये 3 BHK यूनिट समाप्त।